Tax is something that has become very essential aspect of our lives, and this is a matter of current affairs. Why? Because recently on 1st of February, our Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the budget. And when it comes to budget, there are a lot of updates. बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे angles में, हर चीज़ को लेकर के. Budget is nothing but an annual statement that government is planning for the upcoming year. तो अगले साल की पूरी planning है. And government के लिए taxation is one major aspect. जहाँ से बहुत सारा पैसा आता है उसमें भी दो तरीके के टैक्सेशन होते हैं, इनकम टैक्स एंड द अदर वन बीइंग इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स ऑल्सो वी आर नॉट टचिंग अपॉन, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अपडेट्स आए हैं. उसमें भी हम सारी अपडेट्स नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, मोर देन 100 अपडेट्स आर देयर. वी आर कवरिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो हमारे लिए रेलेवेंट है एंड वॉट वी फील आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाती है. एंड मे बी देर आर चांसेस कि जब भी आप नेशनल लेवल का एक एग्जाम लिख रहे हो तो वहाँ पे इट कैन बी आस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर थिंग जो हाईलाइट रहा है पूरे के पूरे बजट का. वेन इट कम्स टू यू नो नॉट बजट, इस चीज़ की शुरुआत हुई थी 2020 के बजट में. सेक्शन 115 BAC न्यू रेजिम की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी इंट्रोड्यूस किया था 2020 में, अगले साल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई. बट द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंड इज कि लास्ट दो इयर्स में, पिछले साल की अगर हम बात करें तो बहुत कम लोगों ने ओल्ड रेजिम को ऑप्ट किया था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस साल उन्होंने इस चीज़ में थोड़ा सा बेनिफिट बढ़ा दिया है. अब वो क्या बेनिफिट है वो हम आगे देखेंगे, बट हम बात करते हैं सेक्शन 115 BAC की, विच इज़ योर न्यू रेजिम, जो बात करता है कि आप टैक्सेशन फाइल करते समय ओल्ड और न्यू रेजिम दो चीज़ों के ऑप्शन दे सकते हो. आप अगर आपको ओल्ड रेजिम से नहीं जाना तो न्यू रेजिम से जाओ. अब एक चीज़ आपको जो समझना है, एक चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि नाउ गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉरवर्ड द न्यू रेजिम. नाउ गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर पीपल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स. Now, what is the reason behind it? What is the logic behind it? Old regime में बहुत सारे exemptions हैं, बहुत सारे deductions हैं, और उन सारी चीज़ों को मिला जुला के जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा complicated लगता है एक आम इंसान को. जब हम इनकम टैक्स की आप किसी से भी बात करके देखिए, यू विल गेट दैट आंसर कि यार इनकम टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो मेरा CA देख लेगा. नाउ ये जो CA वाला मेंटालिटी है, जो मेरा टैक्स यू नो कंसल्टेंट वाला मेंटालिटी है, उसकी वजह से क्या होता है कि हर कोई फाइल करना नहीं चाहता. लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड छोड़ो, जाने दो, जब जो होगा तब देखा जाएगा. गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइल करें. इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू रेजिम इंट्रोड्यूस किया, टैक्सेशन को सिंपल बना दिया. उन्होंने बोला कोई डिडक्शन नहीं, कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं. सीधे सीधे आओ, आप बताओ हमारी इतनी इनकम है, इस पर इतना इतना सीधा सीधा टैक्स कैलकुलेट होकर सिस्टम आपको बता देगा, पेमेंट करो, बात निकल बात करके हट जाओ. तो इसलिए गवर्नमेंट जो है न्यू रेजिम को ज़्यादा पुश कर रही है. तो इस पूरे थ्रू आउट दिस अपडेट सेशन, थ्रू आउट दिस थिंग यू हैव टू कंसिडर, ये एक बेसिक सा कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ. वेन एवर यू आर राइटिंग एनी नेशनल लेवल एग्जाम, द थिंग इज कि आपके कॉलेज एग्जाम से थोड़ा सा हट गया है, वहाँ पे आपको एक अलग माइंड सेट की जरूरत होती है. और वो माइंड सेट इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ माइंड. आपके पास अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो कहीं ना कहीं आप जो है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लॉजिकल लगा के चलना है. तो टैक्स से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू जस्ट थिंक ऑफ इट कि न्यू रेजिम इज द एंड गोल. गवर्नमेंट जिस चीज़ को पुश कर रही है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट न्यू रेजिम इज. नाउ अब इस न्यू रेजिम में क्या चीज़ें हैं, तो एक तो सबसे पहली बात है कि नए इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं. अब क्या होता है, हमारे यहाँ पे अगर आपकी 6 लाख इनकम है तो 6 लाख के हिसाब से आप टैक्स स्लैब में फॉल करते हो 5% की. बट 5% पूरे इनकम पे नहीं है, शुरू के जो 3 लाख है उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई टैक्स नहीं है, पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है. तो आप अपने स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो एंड देन यू डिसाइड कि हाउ मच अमाउंट टू पे एज टैक्स. सो ये कुछ नए स्लैब रेट्स हैं, पहले भी थे सिमिलर रेट्स थे न्यू रेजिम में, बट अब यहाँ पे क्या हो गया है कि अगर 3 लाख तक आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं. पहले ये जो लिमिट थी 2.5 लाख की थी ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में. ओल्ड रेजिम में अभी भी 2.5 लाख है, बट न्यू रेजिम में अब उसे 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया. तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है कि अगर छोटा मोटे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के MCQ क्वेश्चंस बनते हैं ऑफकोर्स, कि नाउ द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.5 लाख टू 3 लाख इन न्यू रेजिम. दैट इज वन मेजर थिंग. देन बाकी का क्या है, सेकेंड 3 to 6 लाख की इनकम पे 5% का टैक्स रेट है, 6 to 9 लाख पे 10% है, 9 to 12 लाख पे 15% है, 12 to 15 लाख पे 20%. अब यहाँ पे 25% का भी एक स्लैब रेट हुआ करता था पहले, वो हटा दिया गया है इस साल के अपडेट से. तो अब 15% के ऊपर आप 30% टैक्स रेट में बैठ जाते हो. दिस इज द न्यू स्लैब रेट. ये जो है एक मेजर चेंज आया है, स्लैब रेट्स थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, बट
ओल्ड रेजिम में वही पुराने रेट्स हैं। क्या है वो पुराने रेट्स? ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे अब। हाँ, एक और चीज़ है कि जो न्यू रेजिम है वो सबके लिए अप्लीकेबल हो गई है, अभी सारे लोगों के लिए अवेलेबल है, चाहे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो या AOP हो, BOI हो, HU ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, तो खैर पहले से थी, तो वो एक चीज़ है। बट आप ओल्ड रेजिम में अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो क्या टैक्स रेट्स आपको देखने को मिलेंगे? 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, एंड 10 लाख के ऊपर है तो सीधे सीधे 30%। तो ये एक डिफरेंस है, 10 लाख वाले, 10 के ऊपर आप जाओगे तो ओल्ड रेजिम में आपको सीधे सीधे 30 लाख मिलेगी, बट न्यू रेजिम में 10 लाख से अगर आप 10 लाख में फॉल कर रहे हो तो वो भी डिपेंड करता है कि 12 तक हो तो 15% ही लगेगी, अगर 12 के ऊपर जा रहे हो तो 20%, एंड वेन यू क्रॉस द 15 लिमिट तब वहाँ पे आपकी 30% बनती है। बट थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं कि ओल्ड रेजिम में आप बहुत सारे एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम करके वो अगर आपकी 15 लाख भी है तो उसको कम करके 10-11 लाख पे लेके आ जाओगे। बट अब अगर यहाँ पे सीधे सीधे जो भी है वो सीधे सीधे जाएगी, उसमें कोई एग्जम्पशन डिडक्शन आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ एक मेजर चेंज हुआ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा ये जो हमारा ओल्ड रेजिम में टैक्स रेट है ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा बढ़ गया है कि जो बेसिक एग्जम्पशन वाला लिमिट 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो है इसी को कर दिया गया है हमने 3 लाख, और वही अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन आ रहे हो तो ये वाली लिमिट जो है ये 5 लाख तक कर दी गई है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अब सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल के ऊपर वाले और सुपर सीनियर मतलब 80 साल के ऊपर वाले, दैट इज़ वन डिफरेंस, दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड नो आई बिलीव। या उसके बाद न्यूज़, अब क्या चेंजेस आए हैं, मेजर जो अपडेट्स हैं, मेजर जो चेंजेस हैं न्यू रेजिम में, उसमें से एक तो है न्यू स्लैब रेट जिसके बारे में हमने बात कर दिया। क्या है वो न्यू स्लैब रेट्स? अभी हमने देखा दीज आर द न्यू स्लैब रेट्स विच आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर एंड विच आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जो कि अपकमिंग आ रहा है 2023-24 के लिए, ठीक है। तो आई बिलीव यू नो व्हाट इज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है व्हेन आई एम सीइंग असेसमेंट ईयर। नाउ आई एम नॉट गेटिंग इन टू द डिटेल्स क्योंकि वो बहुत बेसिक है, अगर वो नहीं पता है तो दैट मीन्स कि समवेयर यू आर फॉलिंग हियर, बट स्टिल असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच योर इनकम इज बीइंग असेस्ड, जिस साल आप असेसमेंट कर रहे हो उसके पिछले साल के लिए, तो दैट इज योर प्रीवियस ईयर। तो अब क्या हो रहा है, नए स्लैब रेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, हमने इसकी भी बात किया कि दिस एग्जम्पशन लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2.5 लाख्स टू 3 लाख्स, ठीक है। नाउ न्यू रेजिम इज द डिफॉल्ट रेजिम, अब हमने क्या बात किया था, गवर्नमेंट पुश कर रही है न्यू रेजिम को, तो न्यू रेजिम बाय डिफॉल्ट जब आप फाइल करने जाओगे न्यू रेजिम में ही आप ऑप्टेड रहोगे, आपको मैन्युअली ओल्ड रेजिम में ऑप्ट करना पड़ेगा। अब उसका भी एक ऑप्शन है कि जो आपने एक बार जो रेजिम सेलेक्ट कर लिया आप उसी रेजिम में रहो, आपको जाना है तो एवरी ईयर यू हैव टू गो एंड चेंज टू ओल्ड रेजिम, इफ यू आर नॉट चेंजिंग तो आप न्यू रेजिम में आ जाओगे। तो अगर आप न्यू रेजिम में एक बार आ गए, आप वापस बैक जाना चाहते हो पुराने रेजिम में, तो दिस इज़ पॉसिबल ओनली वंस, आप हर साल नहीं कर सकते ऐसा, आपको एक माइंडसेट लेकर के चलना पड़ेगा। नाउ आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर ओल्ड रेजिम क्योंकि उसमें बेनिफिट्स ज़्यादा है, उसमें सारी चीज़ें आप कर सकते हो टैक्स प्लान करके एज ऑफ नाउ, तो दैट इज़ वन थिंग कि गोइंग बैक एंड फोर्थ इज़ अलाउड ओनली वंस, स्विचिंग इज़ अलाउड ओनली वंस, बट बाकी लोगों को उनको अलाउड है, इफ़ यू आर यू नो बिजनेस और प्रोफेशन तो दे कैन चूज एवरी ईयर, दैट इज़ नॉट अ थिंग। उसके अलावा अनदर मेजर अपडेट जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। नाउ क्या है ये रिबेट? नाउ इफ यू वुड हैव हर्ड दिस थिंग वेरी यू नो वेरी मच, हर जगह सोशल मीडिया में यही चीज़ फैली हुई है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। नाउ कैसे 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि अगर हम टैक्स स्लैब रेट्स की बात करें तो स्लैब रेट्स तो यहाँ पे बात करती हैं कि भाई 6 to 9 लाख तक 10% टैक्स है, 3 to 6 लाख तक 5% टैक्स है, तो आप ऐसे कैसे बोल दो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है? तो देखो टैक्स बनता है, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो टैक्स कैलकुलेट होके आएगा, बट जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी आएगी अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो गवर्नमेंट आप से जो है टैक्स नहीं लेगी, आपको पूरा का पूरा डिस्काउंट दे देगी, इट्स लाइक अ कैश बैक और इट्स लाइक अ डिस्काउंट दैट गवर्नमेंट इज गिविंग। तो गवर्नमेंट बोलती है आप वैसे भी गरीब हो, 8 लाख की हमने EWS की लिमिट रख रखी, आप तो उससे भी नीचे आ रहे हो, 7 लाख पे क्या ही आपसे टैक्स लेंगे, छोड़ दिए, दैट इज़ द एटीट्यूड। तो 7 लाख तक देर इज नो टैक्स, बट अगर आप जैसे ही 7 लाख 1000 जाते हो ऑफकोर्स यू हैव टू पे टैक्स, उस पर फिर पूरा जो भी अमाउंट आएगा उस पर लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 7 लाख के ऊपर पे ही लगेगा, नहीं, पूरे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो दैट इज़ अ मेजर अपडेट, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखनी है कि न्यू रेजिम में ये मेजर अपडेट्स आए हैं पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर के, कि पहले तो बाय डिफॉल्ट है, गोइंग बैक एंड फोर्थ इज नॉट अलाउड, वन लाइक अलाउड ओनली वंस, दे डोंट वांट यू टू गो बैक एंड फोर्थ, दैट इज व्हाई दे हैव गिवन एक बार आप कर सकते हो गलती से अगर आपने कर लिया है तो, बट अदरवाइज यू शुड नॉट गो, बाय डिफॉल्ट यू शुड गो टू द न्यू रेजिम। एंड एग्जम्पशन लिमिट बढ़ गई है न्यू रेजिम में, एंड या 7 लाख तक रिबेट है। अब पुराने रेजिम में आप जाओगे ओल्ड रेजिम में, दिस रिबेट वाली जो लिमिट है दैट इज स्टिल 5 लाख्स, राइट,
नैर अब द डिफरेंस इज, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कई बार 5 लाख और 7 लाख के, तो यू शुड नो कि ओल्ड रेजिम में 5 लाख है, न्यू रेजिम में 7 लाख है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और क्या है कुछ चीज़ें जो है कुछ, अब हमने बात किया कि न्यू रेजिम में डिडक्शंस अलाउड नहीं है, न्यू रेजिम इज वेरी सिंपल, जो भी इनकम है सीधे सीधा टैक्स बनता है, बट स्टिल सम डिडक्शंस हैव बीन अलाउड। इस साल जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वाली अलाउ कर दी गई है, 50,000 हो जाती है एक्चुअली, क्योंकि 2,500 आपका जो है प्रोफेशनल टैक्स भी उसमें आ जाता है सैलरी एम्प्लॉयज के लिए, तो सैलरी अर्नर्स के लिए 52,500 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया गया है। तो नॉट ओनली 7 लाख, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख भी बढ़ रही है तो 50,000 का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, आप 7 लाख के नीचे आ जाओगे, और वहां पर नाउ आप एग्जम्प्ट हो जा रहे हो, आपको रिबेट मिल जाएगा, तो 7.5 लाख तक देर इज नो टैक्स एक्चुअली अगर हम बात करते हैं। तो दैट इज वन थिंग कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। देन फैमिली ये पहले नहीं हुआ करता था, इस साल उन्होंने अपडेट कर दिया कि नहीं अब अलाउड है। फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 57 एग्जम्पशन है 15,000 या 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव, ये एक नई अपडेट आई है। देन अग्निवीर कॉर्पस फंड क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने, उस पर जो गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया अंडर सेक्शन 50CCH2। तो ये इस पर थोड़ा सा पूछ सकते हैं क्योंकि अग्निवीर अभी रिसेंट है, हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई चीज़ है, तो उससे रिलेटेड एक फंड बनाया गया, तो उस फंड में जो पैसा डालेगी गवर्नमेंट अग्निवीर के नाम पे, तो उनसे आप जाहिर सी बात है टैक्स तो नहीं ले सकते, तो उसको एग्जम्पशन के लिए उसमें डाला गया है। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अंडर सेक्शन 80CCD2 ये भी अलाउड है, ये पहले भी था आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर इफ इट वॉज देयर और नॉट, बट या ये भी एक नई चीज़ है, ये भी एक डिडक्शन अलाउ कर दी गई। अब आई डोंट थिंक ये नया है, बट हाँ ये डिडक्शन अलाउड है, ये 3-4 डिडक्शन है जो अलाउड है, ये पहले भी हुआ करता था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो ये है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग और नॉट, बताओ ये क्या लगता है। सो फार वॉट आई एम एबल टू रिकॉल, दिस थिंग वॉज ऑलरेडी देयर इन अर्लियर ऑल्सो इन द न्यू रेजिम। नाउ दीज आर द डिडक्शंस मूविंग फॉरवर्ड, और क्या चीज़ें हुई हैं। दिस इज अ गुड न्यूज एक्चुअली, सरचार्ज लगता है अगर आपकी इनकम 4 करोड़ के ऊपर जा रही है तो उस पर सरचार्ज गवर्नमेंट लेती थी, तो वो सरचार्ज अर्लियर यूज टू बी लाइक सरचार्ज तो ऑफकोर्स लगता है, बट 4 करोड़ के ऊपर वाले इनकम पे 37% का सरचार्ज हुआ करता था। नाउ दिस 37% हैज बीन रिड्यूस टू 25%, वो एक चेंज हुआ है। कैपिटल गेन्स, नाउ व्हाट इज कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स का मतलब होता है कि आपने एक एसेट बाय किया, उस एसेट को आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद जो आपको फायदा हो रहा है, आपने 10 लाख के में कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसको 20 लाख में बेच दिया, तो 10 लाख आपने कमाया उसमें प्रॉफिट, तो अब उस 10 लाख पे आपको कायदे से कैपिटल गेन्स पे टैक्स बनता है, बट उसको बचाने का तरीका है कि उसको अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हो, तो उसके लिए सेक्शन 54 एंड 54F, ये दो सेक्शंस में पहले कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी कि जो भी आपने कैपिटल गेन से उसको अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट उस पर अब एक लिमिट लगा दी गई है कि अब वो लिमिट जो है 10 करोड़ तक ही है, आप उस जो पैसा है उसको कैपिटल गेन्स अकाउंट में या एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 करोड़ से ऊपर का करोगे तो नहीं मिलेगा, आप कर सकते हो ऑफकोर्स, बट जो टैक्स बेनिफिट है, जो टैक्स एग्जम्पशन है वो 10 करोड़ का ही मिलेगा मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये एक अपडेट है। देन लीव एंड कैशमेंट को लेकर के एक अपडेट दी गई है कि लीव एंड कैशमेंट से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो दैट पैसा इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बेसिकली क्या है कि आपको छुट्टी दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, आपके ऑफिस से, आपकी कंपनी से आपको छुट्टी मिल रही है, आपको लीव्स मिल रही हैं, बट आपने वो लीव्स नहीं लिए हैं, आपने छुट्टी वाले दिन भी जाके ऑफिस में काम किया है, तो नाउ वेन यू आर वर्किंग ऑन यू नो द डेज वेन यू आर गेटिंग योर लीव्स, तो some of the employees, some of the companies give that right ki your leaves you can encash at the end of the year, you were supposed to get 20 leaves for the year but at the end of the year aapne 20 mein se sirf 10 leaves liye hain to 10 leaves ka paisa de dete ki aap leke khatam karo, we will not carry it forward, to jo leave encashment ka paisa milta hai uski ek limit, us pe tax to nahi lagna chahiye but ab kitna leave encashment mil raha hai us pe depend karta hai, to earlier the limit was 3 lakhs, wo bahut purani I think 2013 ya 14 mein 3 lakhs ki limit set ki gayi thi, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 25 लाख्स, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि जिनको भाई काम करने के बाद भी पैसा मिल रहा है उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेते हैं, तो गवर्नमेंट बोला नहीं हमको नहीं चाहिए, तुम रखो यार, तुमने इतनी मेहनत किया, छुट्टी भी नहीं ली, पैसे भी कम मिल रहे हैं, फिर भी टैक्स नहीं चाहिए हमको, तो दैट इज वन थिंग दैट गवर्नमेंट हैज़ डन। नाउ वॉट एल्स दैट हैपेंड इज कि लाइफ इंश्योरेंस में एक लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस सेक्टर से लेकर के एक अपडेट है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है उससे एक आप प्रीमियम भरते हो, एट द एंड पॉलिसी मेच्योर होने के बाद आपको पैसा मिल रहा है, तो दो सिनेरियोज हैं, या तो पॉलिसी मेच्योरिटी में मिलेगा या डेथ में मिलेगा, डेथ के केस में कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ इन केस ऑफ मेच्योरिटी यू आर रिसीविंग द मनी, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, कब, जब आपकी एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 5 लाख के ऊपर जा रही है,
तो अगर आपकी प्रीमियम 5 लाख से कम है टोटल साल भर में, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज इट विल गो। बट अगर 5 लाख से ऊपर आप प्रीमियम भर रहे हो तो यू हैव टू पे टैक्स ऑन द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव ऑन मैच्योरिटी। अब ये कब होगा? इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वी कैन से, नॉट असेसमेंट ईयर ईयर। तो 1 अप्रैल 2023 से जो भी पॉलिसीज इशू की जाएंगे उस पीरियड के बाद से, उन पॉलिसीज के लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर को ये एक तरीके से अफेक्ट कर सकता है ये बजट जो है। अब इसमें भी न्यू रेजिम में आपने जो है इंश्योरेंस का जो बेनिफिट था, जो टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट था, वो आप नहीं दे रहे हो, तो अगेन उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेगमेंट पे आएगा। तो दैट इज द ओवरऑल बिजनेस लुकआउट के इंश्योरेंस सेगमेंट किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है, एमएसएमई किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। अब दो और छोटे छोटे अपडेट्स हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की लिमिट 15 लाख से 30 लाख कर दी गई है। अब ये भी उतना बड़ा चीज़ नहीं है, बट कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लिए तो यू शुड नो। देन महिला सम्मान सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट, ये एक वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें 2 लाख तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दैट इज अगेन वन मोर अपडेट, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और क्या है हमारे पास? प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। अब व्हाट इज प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन? प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ऐसा होता है कि एज अ बिजनेस जो भी इनकम आप कमाते हो उस पर आपको टैक्स देना है, बट वो इनकम आपने जो कमाई है, आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया है, नाउ वेदर इट इज एक्यूरेट, वेदर इट इज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वेदर इट इज एज पर द इनकम टैक्स लॉ और नॉट, वो हम कैसे मान लें? तो उसके लिए क्या होता है, करवाना पड़ता है आपको ऑडिट। नाउ लाइक ऑडिट इज द प्रोसीजर, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक चीज़ दे रखा है कि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिंपल क्या कर सकते हो, जो भी आपका टैक्स है, अगर आपने ऑडिट करवाया हुआ है, जो भी आपका रेवेन्यू बन रहा है, उस रेवेन्यू का सीधा सीधा 8% आप टैक्स भर दो। कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की कि ये अलाउड है ये अलाउड नहीं है, इतना डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे मान के चलेंगे कि आपका अगर टोटल सेल्स जो है 1 करोड़ हो रहा है तो उसका 8% आपका प्रॉफिट है, और उस 8% में जो भी टैक्स बनेगा वो आप पे कर दो। तो उसके लिए ऑडिट इज़ मैंडेटरी। नाउ उस पर 1 करोड़ मैंने बोला, एक्चुअली 1.5 करोड़ था। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है कि नाउ अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो, आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 AD और 44 के तहत, आप दोनों के लिए, प्रोफेशनल हो या बिजनेस हो, बेसिकली स्मॉल बिजनेस या स्मॉल प्रोफेशनल, तो नाउ यू कैन क्लेम दिस बेनिफिट प्रेजेंटिव टैक्सेशन का, एज लॉन्ग एज योर टोटल सेल्स इज लेस देन 3 करोड़, या फिर इफ यू आर अ प्रोफेशनल तो योर टोटल रिसीट्स इज लेस देन 75 लाख, राइट? बट इसमें एक कंडीशन है कि 95% ऑफ योर रिसीट शुड बी नॉन कैश। आप कैश में से 5% एक्सेप्ट कर सकते हो, आपका जो भी पैसा ऐसा पंप नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट दूसरी तरफ वो भी है कि ब्लैक मनी को भी कर्व करना चाहती है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भी जाना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला करके कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है कि यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो 95% नॉन कैश होना चाहिए, राइट? वो एक चीज़ हुआ। नाउ एमएसएमई के लिए कंसेशनल रेट निकाला गया है। नाउ व्हाट इज दिस कंसेशनल रेट? एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप एक नई एमएसएमई सेटअप कर सकते हो, करते हो मैन्युफैक्चरिंग में, नॉट एक्चुअली एमएसएमई, कॉपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेटिव सोसाइटी सेटअप करते हो, आई थिंक इट इज रॉन्ग ओवर हियर, एमएसएमई नहीं है, दिस शुड बी मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेटिव सोसाइटी। सो इफ यू आर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, तो वहां पर कहीं ना कहीं, हाँ जस्ट अ सेकेंड, वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर? सो इफ यू आर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेटिव सोसाइटी, तो वहां पे इफ यू आर दिस शुड बी सेटअप आफ्टर 1st अप्रैल 1st, अगेन आई हैव रिटन सम कंफ्यूजन इज देयर। सो 1st अप्रैल 2023 के बाद अगर आप सेटअप कर रहे हो, तो देन इट शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिफोर द एंड ऑफ द ईयर बाय 31st मार्च 2024, एंड इफ यू आर डूइंग दैट, आपको एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन मिलता है 15% का, विच यू कैन क्लेम। उसमें थोड़ा सा आपका सरचार्ज भी लगता है, तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड या ओवर हियर आई वॉज सेइंग, सो व्हेन दैट इज द केस, तो व्हाई नॉट, लाइक इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, विच यू कैन से, नाउ दिस इज नॉट एम एस एम ई एक्चुअली, दिस शुड बी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड दिस शुड बी 1st of April रादर दैन 1st of what we are saying 1st of March. So it should be 1/4/23 to 31st March 2024, and this should be manufacturing cooperative society. So उस केस में आपके लिए ये कंसेशनल रेट है। उसके अलावा एक और चीज़ है MSME को लेकर के जो अपडेट है, दैट इज द नेक्स्ट वन। इट इज़ लाइक कि MSME में क्या होता है कि आप जो भी किसी के लिए आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया या किसी को आपने एक सर्विस प्रोवाइड कर दिया, आपकी पेमेंट वहाँ पर अटक गई, आपको पेमेंट नहीं मिल रही है। नाउ वॉट इज सोल्यूशन टू यू टू रिसीव दैट पेमेंट? गवर्नमेंट ने एक अपडेट कर दिया कि आपको ज़्यादा करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है।
the other person will not be able to claim that expenditure as expenditure in their income tax financial statements. अपने P&L में वो खर्चा दिखाई नहीं सकते as long as they are paying you. तो payment basis में जितना payment उन्होंने अब खर्चा हो, जैसे आपने service provide किया 1 लाख की, now 1 लाख is expense for the other party. तो 1 लाख का expense claim नहीं कर सकते as long as they are not paying you. वो सिर्फ payment basis पे claim किया जा सकता है when it belongs to MSME. तो वो benefit है. अब अगर आपका MSME का सामने वाले के साथ agreement है तो 45 days is the time limit जब तक payment हो जानी चाहिए, और नहीं है तो it should be paid within 15 days. This is a huge update. This can, you know, affect a lot of businesses and MSME के लिए beneficial है, काफ़ी अच्छी update है, right? So that is one thing you should be knowing. Then moving forward, छोटे छोटे और कुछ updates हैं. एक है विवाद से विश्वास 2.0, जिसको सेटअप करने की बात की गई है, कि एक कमर्शियल डिस्प्यूट रिजेक्शन स्कीम शुरू की जाएगी, जो ऑलरेडी बात हुई थी उसको, उस पर एक दोबारा से जोर डाला गया है. देर लाइक कि इट शुड बी सेटअप, गवर्नमेंट उसको लेकर के सेपरेट सर्कुलर नोटिफिकेशन निकालेगी एंड इसको सेटअप किया जाएगा. दैट इज़ वन थिंग. देन उसके अलावा हम बात करते हैं कि विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स. अब ऑनलाइन गेम्स खेल करके आप पैसे कमा रहे हो, वो पहले लॉटरी वाले सिस्टम में आता था, उसको अब सेपरेट कर दिया गया है कि नाउ इट इज़ नॉट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इट इज़ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स. इस पे सीधे सीधे 30% का टैक्स लगेगा, प्लस जो भी आपका एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस होगा वो भी आपको देना पड़ेगा. दैट इज अनदर थिंग दैट हैज हैपेंड. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? आप पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जो भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी अक्वायर करते हो, अगर आप उसको सेल करके पैसा कमा रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है कि आपने 1 करोड़ में बेच दिया, आप बोलोगे नहीं मैंने इसको डेवलप करने में खर्चा किया था 10 करोड़ का, तो मैं तो एक्चुअली लॉस में जा रहा हूँ, 10 करोड़ खर्चा करके 1 करोड़ में बेच रहा हूँ, तो कोई गेन ही नहीं हो रहा है. तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका इंटेंजिबल एसेट का एक्विजिशन कॉस्ट इज जीरो, आपने कोई खर्चा नहीं किया, जो भी खर्चा था वो इट इज सेपरेट आउट ऑफ इट. तो वो एक अपडेट है कि इंटेंजिबल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज सपोज टू बी जीरो. नाउ एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट है बिजनेसेस के लिए, दैट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए बिजनेसेस हैं, अब स्टार्टअप्स में क्या होता है, बेसिकली शुरुआत में कई सारे स्टार्टअप्स लॉस में ही जाते हैं. आप स्टोरी उठा करके देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स आर इन लॉसेस, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एक अलग ही फंड है, कस्टमर एक्विजिशन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं रादर देन बिल्डिंग प्रॉफिट्स. तो अब इन लॉसेस के साथ क्या हो रहा है कि लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. अब कैरी फॉरवर्ड कर करके आप कितने साल तक कर सकते हो? तो पहले ये लिमिट हुआ करती थी 7 ईयर्स की, इस साल से उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है कि आप अपने लॉसेस को 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट एक कंडीशन है कि आपके जो शेयर होल्डिंग है दैट शुड रिमेन 100% इन दिस टाइम. ऐसा ना हो कि आपने लॉसेस किया, आपके ओनर्स को आपको लग रहा है आप एज एन ओनर की लॉसेस है, बिजनेस बंद होने वाला है, और आप अपने शेयर्स बेच के निकल गए और वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर गवर्नमेंट को आपने चूना लगा दिया, बाद में प्रॉफिट बेचने के बाद प्रॉफिट आ रहा है, तो नहीं चलेगा ऐसा. तो इट शुड नॉट हैपन, दैट इज वाई शेयर होल्डिंग शुड रिमेन 100% वो बोला हुआ है. बट या कैरी फॉरवर्ड 7 ईयर्स से 10 ईयर्स तक कर सकते हो, ये भी एक अपडेट है. दिस कैन ऑल्सो भी आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शार्क टैंक और ये सब जो चल रहा है उसकी वजह से स्टार्टअप वाली चीज़ें थोड़ी सी जो है करंट अफेयर्स और न्यूज़ में आ रही हैं, तो स्टार्टअप से रिलेटेड थोड़ी सी एक छोटी सी अपडेट है. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट यू नो द इनकम टैक्स अपडेट्स दैट यू नो वी वेंट थ्रू. अब आपको कैसा लगा? हाउ वाज दिस अपडेट फॉर यू? एंड या दैट्स इट. आई होप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हो. वी ट्राइड टू मेक इट इंटरेस्टिंग, होपफुली इट वॉज नॉट बोरिंग फॉर यू.